सो गाइस, अभी बात करते हैं इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसकी ना जो वेबसाइट है, आपको आई होप कि एरो दिख रहा होगा मेरा। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके हाल चाल क्या है। ठीक है, इसकी वेबसाइट से काफ़ी चीज़ें पता चलेगी इसके बारे में। खुल रहा है तब तक हम लोग इस पेज को देखते हैं। मार्केट कैप 13,219 करोड़ है, मतलब कि स्मॉल कैप से थोड़ा बड़ी है। ठीक है, डिविडेंड देती है कंपनी 1% से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अच्छी बात है। करंट लाइबिलिटीज की इसकी देखो, करंट लाइबिलिटीज है इसकी 411 करोड़। ठीक है, लाइबिलिटीज यानी कि खर्चे है इसके 400 करोड़ है, और इसके जो आप करंट एसेट देखोगे वो है लगभग लगभग 900 करोड़। तो लगभग लगभग इसकी जो लाइबिलिटीज है इसके करंट से एसेट से हाफ है। तो ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा घटिया भी नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट इसका 22% है, अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी 12%, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी इसका 63% है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे स्टॉक का पीई रेशियो देखोगे बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है, नेगेटिव पॉइंट है। 44 दे रखा है, जबकि होना चाहिए 15 से कम, 10 हो तो और अच्छा, उससे कम हो तो और भी अच्छा, लेकिन यहाँ पे 40 है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अब नीचे आते हैं ग्राफ। तो देखो यार, आपको बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप लोग चार्ट पढ़ने में खुद पढ़ लोगे। प्रोज एंड कॉन्स पे अभी आते हैं हम लोग। तो देखो आप यहाँ पे, आपको आपके सामने प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे होंगे। ठीक है, यह जो स्टॉक है इसके जो कॉन्स है, अपनी बुक वैल्यू से 17.6% ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, 17 गुना ज़्यादा, बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा आप देख सकते हो, डेप्टर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 26 टू 74 डे। ठीक है, इसकी बढ़िया बात भी कर लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, मतलब कभी भी ग्रोथ आ सकती है। कंपनी हैज डिविडेंड गुड प्रॉफिट। देखो, ग्रोथ आ सकती का मतलब ये नहीं कि खरीद लो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा है इसका स्टॉक। ठीक है, बाकी आई थिंक काफ़ी